नमस्कार सभी भाइयों से, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोदगिरी और मैं विनोदगिरी। आज पहुंचे हैं बड़ौत के बाजार में। जैसा आपको पता है, पहले भी इस चैनल पे बहुत वीडियो आ रही है कि बड़ौत के बाजार में बाकड़ी भैंसे मिलती हैं। बाकड़ी भैंसों में भी अच्छी झोटियाँ भी मिलती हैं और झोटे दो दांत चार दांत उनने सभी तरह के झोटे आते हैं इस बाजार में। ये हरिद्वार को लगता है और अब पूरे बाजार में घूमेंगे और कुछ भैंसों का रेटों की जानकारी करेंगे जो आपको जिससे आपको पता लग जाए। अब हम पहुंच चुके हैं हेड में। जैसे कि हमने बताया कि क्या बड़ भैंस मिलती है इस बाजार में और पास करने वाले भी यहीं रहते हैं। देखेगा जैसे भैंस को पास कर रहे हैं, इस तरह से पास करके गारंटी से भैंस खरीदी बेची जाती है यहाँ पे। जैसे हमने बताया कि इस बाजार में सुंदर झोटी भी आती है। ये सामने खड़ी है, बिल्कुल प्योर मुर्रा नस्ल की झोटी है, बिल्कुल रिंग सिंगोदार छोटे सिंग। और भाई पूरे स्टॉक से लाए हैं, इसमें देखेगा सैंपल वैम्पल भी पड़ा के अच्छी झोटी है प्योर मुर्रा नस्ल की। हड्ड थोड़ा सा कम है, अभी पता करेंगे कितने क्या पड़े, लेकिन भैंस थनों से बहुत साफ है, बिल्कुल अच्छे थनों की है, रिंग सिंग मोरनी जैसी झोटी है। अभी भाई से बात करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है भैया जी आपका? मोमिन है भाई। कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुर द्वारा। ये जो झोटी है तुम्हारी, ये कौन सी बार भी आई हुई है? ये दूसरे भी आएगी आपके? दूसरे भी आएगी, पहलवन भी आई हुई है। मुंह से कैसे दांतों में? चार दांत है। अच्छा अच्छा, जी पहलवन भी आई हुई है तो अभी तक खरीद के लाए थे तुम्हारे घर के? नहीं जी, यही लिए बच्चे खरीद के लाए थे। अच्छा, खरीद के लाए थे। अच्छा, अभी ये ज्ञापन है? ज्ञापन है भाई। ज्ञापन है 3 महीने की, तो ज्ञापन की गारंटी होगी? गारंटी ज्ञापन की 3 महीने। और इसमें इस टाइम दूध कितना? दूध इसमें 6 लीटर। 6 लीटर बच्चा नहीं है इसके साथ? जी नहीं। तो इसने जैसे लाए हो, मालिक ने कितना बताया था कितना दूध निकाल देते हैं पहले? 6 लीटर बताया मालिक। 12 लीटर? हाँ जी हाँ, 14-15 निकाल रहा है पहले दांत में। ये भाई ले गया झोटी को। ये बताया हो, अब इसकी क्या कीमत मांग रहे भाई बाजार में? 65,000। तो ये मांगने गए कुछ कम हो जाएंगे? 1500 कम बढ़ते करना है। कितने कम कर दोगे? 1000 कम करना है। 1000 कम, बस सौदे में 1000 ही कम होंगे बस। और जब बाकड़िया के लेने भाई? अच्छा, जैसे बाजार में लगी इसकी कीमत? हाँ जी। कितने लगे? 58 लगे। 58-60 लगे? 58-60 की देनी, तो बस 64 की देकर जाओगे? और जो 64 लगे बाजार में वापस लेके जाएंगे घर पे? वापस ले जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब सौदेबाजी का अलग रेट है, ठीक है भैया जी। देखेगा भाई की झोटी 64,000 रुपए की थी, और देखते हैं। लइए भैया, चलाइए ऐसे भैंस को इधर को। एक अच्छे बड़े साइज की भैंस है, बिल्कुल रिंग सिंगदार, बहुत ही अच्छे वाली भैंस है। यही रोक ले, रोक ले। अच्छे अच्छे साइज आ रहे हैं, बिल्कुल रिंग सिंग है। भाई से बात करते हैं। क्या नाम है छोटे तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले भैया? बागपत। ये जो भैंस है कौन से ब्यांत में है? 7 महीने के। ब्यांत कौन सा? तीसरा। और ये जो 7 महीने की ज्ञापन है, दूध भी दे रही थोड़ा बहुत? नहीं, दूध दे रही है। 4 किलो तो लगता है भगी जाएगी। अच्छा, कहाँ से लाए थे इसे खरीद के? रोहतक से। तो कितना दूध बताया था मालिक ने, कितना दूध निकाल देती है? 18 किलो निकाल देती है। और इसकी आप क्या कीमत मांग रहे बाजार में? 80,000। तो ये 80,000 फिक्स है, कुछ कम भी हो जाएंगे? फिक्स है। कुछ कम भी ना होने के? तो ये हमें फिक्स वाले रेट बताए। बाजार में सौदेबाजी क्या अलग है? बिल्कुल फिक्स बताए, ठीक है भैया ले जाओ। अच्छी भैंस है भाई, दूध की भी अच्छी, अच्छे साइज की भैंस है, ले जाओ। अच्छे अच्छे बड़े साइज की भैंस है, ले मॉडल ले मॉडल। चेहरे मॉडल बहुत अच्छे है, गोल सिंह है, ले चल। साइज बहुत अच्छा है भैंस का। ये भैंस का कटड़ा है, कटड़ा भी खूब बड़ा हो रहा है। अभी भाई से बात करते हैं। पूछ पकड़ इसकी पूछ,
बिल्कुल साफ सुथरा है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले? ये जो भैंस घुमा रहा है छोटा बालक, ये कितने दिन की क्या बना रही है? साढ़े तीन महीने की। तो क्या बन की गारंटी है? और इसमें दूध कितना? 5 किलो ही इसका कटड़ा है। और क्या कीमत मांग रखी है भैया? 70,000। तो 70,000 ये फिक्स है, कम हो जाएंगे? कितने कम हो जाएंगे, लास्ट कीमत बता दो। 1,000-2,000 लास्ट कीमत बता दो। फिक्स कितनी बेचोगे बाजार में? 67,000 की। और जो बाजार में 65,000 लगे? जो बाजार में 65 लगे नहीं देने क्यों? ठीक है भैया। एक मिनी भैंस है, एक ही मिनी मिनी होते हैं जिसके सिंह नीचे होते हैं। अटट से बहुत अच्छी भैंस है। बस रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। सिंह हिले भी इसके का दन्नो सिंह दिखा देता हूँ उसे सामने से। दन्नो सिंह नीचे का मिनी भैंस है। भाई रोक लो रोक लो। हाँ जी, ये तुम्हारी मिनी भैंस कितनी क्या बना रही है? 5 महीने में। बच्चा ना इसका? बच्चा नहीं है। और दूध कितना दे रही हो? ज्ञापन की गारंटी है? क्या और कीमत क्या मांग रहे हो? मांग रहे ज्यादा हो लेकिन देनी 52 की है। और जो 50 लगे बाजार में? हाँ, जो 50,000 लगे तो 50,000 की दे जाओगे? 50 की दे जाओगे? अच्छा, 50 की दे जाओगे। ठीक है जी, ताऊ की भैंस सुरदेवाजी के अलग रेट है, 50,000 तक की भैंस को दे देंगे। ठीक है जी, ओके सर। ये सामने झोटी कटिया बिल्कुल प्योर मोटर नस्ल की है, अच्छा डेड वाली है, कान भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल रिंग सिंग। चला थोड़ी चल पर। 13 किलो दूध। बच्चा भी है इसका? बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं आ गया मिलेगी उसके आगे। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम भैयू। कहाँ के रहने वाले हो? अजारा के। ये जो भैंस दिखा रहे हैं हम सामने, ये कौन से ब्याह में भैया? दूसरे ब्याह होगी, मतलब पहलवानी है? तीसरे ब्याह होगी। दूसरे ब्याह भी है? 2 महीने क्या बने? ज्ञापन 2 महीने की है? 2 महीने की। तो ज्ञापन की गारंटी है? गारंटी होगी ज्ञापन की। और दूध कितना है इसमें? 13 किलो। 13 किलो कहने का पक्का? पक्का 13 किलो है दूध। और बच्चा कहाँ है इसका? बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है तो कैसे लगती है? पहुँच जाती है? पहुँच जाती है। अच्छा, क्या कीमत मांग रहे भैया? 85,000। और ये तो मांगने को के देने को और बता दो। 50,000-2,000 कर दो। लास्ट कीमत बता दो। 82,000 लेंगे। 82,000 के। और जो 80 लगे बाजार में नहीं देने के? 82-80 की बना दो। चलो ठीक है भैया। भैंस भाई की बहुत अच्छी है, इसीलिए 80,000 रुपये कीमत बता रहे हैं। देखिएगा ऐसी रोटी है। बहुत बहुत अच्छी झोटी है, बहुत अच्छी झोटी है। ये भाई बिजरोल के हैं, अभी मड़ियाई के बाजार में मिले थे हमें पिछले वीडियो में, जो आपने देखी हो देखेगा कितनी अच्छी झोटी है। करिए भैया थोड़ी सी परे उधर करियो, देखिएगा साइज बहुत अच्छा है, बहुत ही उच्च लंबे साइज की है, बहुत अच्छे उच्च साइज की है। अभी भाई से बात करते हैं, साफ सुथरी। ये भाई हमें सलापुर के बाजार में लो। क्या हाल है भैया जी? सलीम नाम है। मैं कह रहा हूँ, क्या हाल है? बढ़िया, आप सुनाओ? ठीक हो? बढ़िया है। अजय झोटी है, कौन सी बार ब्याह होगी? दो बार ब्याह होगी। तीसरे क्या बन है? अब कितनी क्या बन है? एक महीने की। तो 1 महीने की तो कोई गारंटी नहीं होगी, है भैया? गारंटी। और बच्चा भी है इसका? बच्चा नहीं है। तो इसकी क्या कीमत मांग रहे हो? 65,000 दूध कितना? 10 किलो कहने का या है? पक्का है? पक्का। अच्छा, तो 65,000 फिर से कुछ कम में हो जाएंगे? 1,500 कम पत्ती करते हैं। 1,500 लास्ट कीमत बता दो। 63,000 63,000
तिरसठ में साठ भी हो सके नहीं होने के तिरसठ ही रहेंगे। ठीक है भैया, भाई की रोटी बहुत अच्छी है। चलो ले खोल, एक नीली रावी खटिया बिल्कुल प्योर नीली रावी भैंस है, ले चलो सीखो। परे को ले चलो थोड़ी सी दिखावा तो जमी अरे भैंस अड्डर था बहुत अच्छा है, साफ सुथरा अड्डर की बिल्कुल भैंस है, देखेगा दोनों पैर सफेद के अगले भी सफेद और मत्था भी सफेद बिल्कुल प्योर प्योर नीली रावी में है छोटी। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मोनू भाई। कहाँ के रहने वाले? लोनी दो नंबर। लोनी दो नंबर जी। भैंस दो नंबर की एक नंबर की? भैंस एक नंबर। भैंस एक नंबर की है? हाँ। अच्छा फिर तो ठीक है। कितने दिन की ब्याह हो रही हो? तो कितने दिन की ब्याह हो रही हो? डेढ़ महीने की। तो क्या पन पास है? पास। गारंटी क्या पन की? पास। बच्चा कहाँ है इसका? बच्चा नहीं, बच्चे अच्छा, नहीं। अच्छा दूध कितना? दूध है 10 किलो। 10 किलो पक्का? शरद पे। क्या कीमत है? कीमत 75,000। 75,000 कीमत तो भाई ज्यादा मांग रहा है। 1.5 लाख का माल है। 1.5 लाख का माल है। कितना दूध निकाल रहे हो? 15-16 किलो। तो ये 75,000 फिक्स है? बस 1500 की बात है। लास्ट कीमत बता दो मैं। 74,000। ठीक है, एक बार और चला के दिखा दो। प्योर नीली रावी है, नीली रावी कमी मिलते हैं बाजारों में, देखेगा बिल्कुल प्योर नीली रावी का है। एक बहुत अच्छी रोटी खड़ी है, थोड़ी सी कमजोर तो हो रही है, नियार खाया पीना, लेकिन सिर सिंगार से बहुत बढ़िया है। अड्डा भी बहुत अच्छा है, थोड़ी भैंस कमजोर है, ये भैंस के बच्चे सही थे। अभी भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? रमेश। रमेश कहाँ के रहने वाले हो? दरवाजी के। ये जो रोटी है तुम्हारी कौन सी बार भी आई हुई है? ये दूसरी बार भी आई हुई। दूसरी बार भी आई हुई है। ये इसका बच्चा नीचे बच्चा क्या है? बच्चा कटता है जी। कटरा हो रही है। ज्ञापन भी है? नहीं जी ज्ञापन नहीं है। ज्ञापन नहीं है। पूछ कहा वीडियो बना रहा हूँ। ये पक्का? पक्का है जी। क्या और इसकी कीमत क्या मांग रहे हो? इसकी 52,500। 52,500 फिक्स है? कुछ कम हो जाएंगे? फिक्स है जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल फिक्स है, मतलब सौदेबाजी के बाजार में अलग है। ठीक है जी, रोटी अच्छी है। ठीक है, रोटी रेट भी भाई ने जायज रेट बताया। इस बाजार में एक से एक अच्छी रोटी आती है। सामने शानदार धोती हमें है। ये किसकी है? ये हमारी। इस वाली को खोलियो, बिल्कुल शानदार धोती है। और ये जो भाई दिखा रहे हैं देवबन के हैं, देवबन सहारनपुर, और यहाँ खरीदने के लिए आए हैं। अच्छी अच्छी धोती है, थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा अच्छा अड्डा वाली है। चलो बांध दो, बांध दो भैंस को, बांध दो। अच्छी रोटी अभी भाई से बात करते हैं। ये सामने है, ये इसका बच्चा है। हाँ जी आ जाओ भैया, उठा लो नीचे वाला। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मांगेराम। कहाँ के रहने वाले? देवबंद। देवबंद तो यहाँ बेचने लाया या खरीद रखी है? खरीद रखी है। ये खरीदी है? तो ये कितने की खरीदी है? 54,000 की। और ज्ञापन भी है? ज्ञापन नहीं है। और जो ज्यादा खरीदिया मालिक ने कितना दूध बताया सर? 8 किलो। 8 किलो तो ज्यादा तुमने पास करके ली होगी। थन कैसे निकले? बिल्कुल साफ थन है, बिल्कुल साफ। तो ये तुम्हारा व्यापार का काम है? घर के लिए खरीद? घर के लिए। घर के लिए। और ये जो दूसरी बंदरी है ये भी तुम्हारी है? नहीं ये हमारी नहीं। ये तुम्हारी नहीं है? देखिए बड़ोद के बाजार में देवबन से आया भाई। और कितने की बताई थी खरीदी? 54,000 की झोटी खरीदी है, बिल्कुल सही कीमत बता रहे हैं भाई। ठीक है भैया। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब लाइक और जरूर करें।